नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर पे बैठ के जो है अपना AC का क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। उसके जो फिल्टर जब जाम हो जाते हैं, उनमें धूल भर जाती है, तो आप उनको घर पे बैठ के ही क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मैकेनिक या किसी भी कंपनी को फ़ोन करके उसके सर्विस पर्सन को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको कोई चार्ज देना पड़ेगा। आप घर पर बैठ के ही अपना AC क्लीनिंग कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के तरीके से। दोस्तों, ये मेरा वीडियो पूरा देखेगा और ध्यान से देखेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कि AC से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और AC के बाकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, AC के रिगार्डिंग, उसके रिमोट वगैरह कैसे यूज़ करना है, AC का बिल कैसे कम करना है, वो भी मैं आपको अपने चैनल पर बता सकता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको शुरू करने वाला हूँ कि AC का क्लीनिंग कैसे करना है। मेरे पास है हिताची का 1.5 टन का AC, जो कि इन्वर्टर के साथ आता है, और इसका क्लीनिंग करना मैं आपको इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने AC का फिल्टर क्लीनिंग कैसे करना है। सबसे पहला प्रोसेस आपको जो करना है, वो AC का आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सप्लाई का पॉइंट दिया हुआ है, मेन सप्लाई से इसका प्लग जो आपको पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देना है, ताकि किसी भी तरीके का आपको कोई खतरा ना हो करंट लगने का। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। मेरे पास हिताची का AC है, ये 5-star AC है और 1.5 टन का है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका फिल्टर का क्लीनिंग आपको कैसे करके करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप साइड में देखेंगे कि पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं अपनी उंगली फंसा रहा हूँ, ये पॉइंट है। और ऐसा ही एक पॉइंट भी AC की दूसरी साइड में, इस साइड में भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे दूसरी साइड में भी यही पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आप उंगली फंसा के स्मेल को बाहर की तरफ को पुल करना है, जिससे पैनल यहाँ पे खुल जाएगा इस तरीके से। ये पैनल खुल गया पूरी तरीके से, इसको ऐसे करके खोलिएगा, पूरा ऊपर तक खोलिए। और यहाँ पे इसका एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप लीवर को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इसको आप फंसा देंगे, तो इस तरीके से AC का पैनल ऊपर टंगा रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके एक ये पीला यहाँ पे देख रहे होंगे, एक फिल्टर ये है और दूसरा फिल्टर जो है वो यहाँ पे ये है। तो ये दो फिल्टर इसमें दिए हुए हैं, दोनों फिल्टर को आपको यहाँ से निकालना है। अभी कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। किनारे से पकड़िएगा, बीच से नहीं पकड़ना है आपको, किनारे से पकड़िए और फिल्टर को बाहर खींच लीजिए ऐसे आसानी से, ये निकल आएगा। कभी कभार अटका रहता है तो खींचने से निकल आता है। इस तरीके से आप इसको जो निकाल लीजिए, ये फिल्टर आपका निकल आया है। ये एक फिल्टर मैंने निकाल दिया है, अभी ये दूसरा फिल्टर निकालना है, तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल दूँगा। ये मैंने यहाँ से इसका दूसरा फिल्टर भी निकाल दिया है। दोस्तों, ये दो फिल्टर हैं इसमें, देखिए इस फिल्टर में देखिए कितना मट्टी जम गया है, पूरी तरीके से इस फिल्टर में मट्टी भरा हुआ है, धूल डस्ट पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस फिल्टर को हमें क्लीन करना है। दोस्तों, आपके घर पे सर्विस वाला आता है, मैकेनिक आता है, तो वहाँ आपसे 1000-2000 रुपये चार्ज करके जाएगा मात्र धूल को निकालने के। तो ये आप अपने घर पे आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका अभी बताऊंगा, आपको इसको कैसे करके निकालना। तो दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने AC से फिल्टर निकाला था तो मैंने मात्र एक कुर्सी और एक स्टूल लिया था, उस प्लास्टिक का, उसके ऊपर चढ़ के निकाला था। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने घर पर ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए भी रिस्की हो सकता है। आप चाहिए तो एक लंबा स्टूल ले लीजिएगा, या एल्यूमिनियम की जो लैडर आती है मार्केट में, वहाँ से वो ले आइएगा अपने लिए, वो आपके घर में परमानेंट यूज़ के लिए हो जाएगी और AC की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ में आ जाएगी। दोस्तों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आप एक ये मास्क खरीद लाइए मेडिकल से, या मास्क नहीं है तो मुँह पर कुछ कपड़ा या रुमाल बांध लीजिएगा, ताकि जो इसकी धूल या सब फिल्टर की साफ़ करते समय आपके नाक में ना जाए। तो मैं ये मास्क अपने मुँह पर लगा लेता हूँ इस तरीके से, ये मास्क मैंने अपने मुंह पे लगा लिया है। आप इसकी जगह चाहिए तो रुमाल या गमछा या कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने दो फिल्टर निकाले थे, पहला फिल्टर ये है जो कि मैंने क्लीन कर दिया है पूरी तरीके से, फिल्टर साफ हो गया है घर पे, इससे ज़्यादा क्लीन नहीं हो सकता, इतना ही साफ होता है। क्योंकि प्लास्टिक का फिल्टर है, काफ़ी नाजुक है, तो आप इस पर जोर जबरदस्ती ना करें, इसको लोहे के ब्रश से या किसी भी ब्रश से हार्डली तरीके से इसको साफ ना करें। इसको कैसे साफ करना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तरीके को पूरी तरह ध्यान से देखिएगा। दूसरा फिल्टर आप देखिएगा, जो अभी मैंने साफ नहीं किया, आपके सामने साफ करूँगा, ये है पूरी तरीके से, इसमें धूल जो है जमी हुई है, पूरे धूल से भरा हुआ है। अब मैं आपको इस फिल्टर को साफ करके बताऊँगा कि आपको इसे कैसे साफ करना है, वही तरीका आप अपनाइएगा घर में, आपका फिल्टर पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, आपको किसी मैकेनिक को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास है ये पेंट करने वाला ब्रश दीवार पे, जिससे पेंट करते हैं हम लोग, कलर करते हैं, इसके टिश्यू काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, तो ये ब्रश मैं इसमें फिल्टर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप भी कोई ऐसा ब्रश ले लीजिएगा, कोई दूसरा ब्रश ले लीजिएगा जिसके टिश्यू सॉफ्ट हो। हाँ, ध्यान रखिएगा कोई भी ब्रश ऐसा ना लें जिसके जो है
टिश्यू हार्ड हो, जैसे कोई लोहे का ब्रश होता है, वायर वगैरह इसमें इस्तेमाल ना करें, वायर जूट वगैरह, वायर का जो साफ़ करने वाला था उसे भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़िल्टर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डेडिकेटेड है, प्लास्टिक का फ़िल्टर है ये, कोई मेटल का फ़िल्टर नहीं बना हुआ है, तो इसमें आपको बड़े ध्यान से और आराम से साफ़ करना है, हार्डली इसको कुछ भी नहीं करना, नहीं तो फ़िल्टर डैमेज हो जाएगा और आपको नया फ़िल्टर खरीद के लाना पड़ेगा। अभी भी ब्रश को ऐसे पकड़ के इसको हल्के हल्के ऐसे आप रब करते जाइएगा, इसकी डस्ट अपने आप निकलती जाएगी। ये देखिए कितनी सारी डस्ट इसकी आ गई है मेरे ब्रश पे एक ही बार में। तो अभी मैं इसको धूल इसको निकाल दूंगा यहाँ पर, आप देखिए कितनी धूल इस पर इकट्ठी हो गई, ये धूल मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको फिर से शुरू कर देता हूँ यहाँ से। ये इस तरीके से आप हल्के हल्के करते जाइएगा, पूरा फिल्टर आपका साफ होता जाएगा। ये जो है मैं पूरा इस तरीके से निकाल दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों इतना धूल इसका अभी निकल के आ गया है, अभी फिल्टर मेरा लगभग लगभग साफ हो चुका है, थोड़ा ही बाकी है। इस ब्रश को भी साफ़ करिएगा, नहीं तो इस ब्रश में ही धूल चिपकी रहती है, वो फिर आपके फिल्टर में ही घुस जाएगी। इसको इस तरीके से निकाल दीजिएगा आप लोग, ब्रश साफ हो जाए उसके बाद आप फिल्टर को उठाइए और दोबारा फिल्टर पर इस ब्रश को घुमा दीजिएगा, तो इसकी बाकी की जो धूल रहेगी वो भी निकल जाएगी इस तरीके से। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी आप जोर मत लगाइएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा फ़िल्टर के साथ, फ़िल्टर बहुत ही सॉफ्ट है, डेडिकेटेड है, कहीं से भी टूट जाएगा फट जाएगा तो फ़िल्टर आपको फिर नया ही खरीद के लाना पड़ेगा, ये फ़िल्टर आपको रिपेयर नहीं करवा सकते हैं इस फ़िल्टर को, और ये फ़िल्टर खरीदेंगे तो फिर आपके पैसे लगेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके घर पर फ़िल्टर साफ़ करने का। इस तरीके से इसको साफ़ कर लीजिएगा, ये फ़िल्टर मेरा पूरी तरीके से भी साफ़ हो चुका है। अभी आप चाहिए तो इसको सॉफ्ट वाटर में, नल का जो सादा पानी आता है उसमें आप कपड़े धोने वाला सर्फ जो लेते हैं वो थोड़ा सर्फ डालिए और उस सर्फ से भी इस फिल्टर को साफ कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसको धूप में सुखा लीजिए फिल्टर को अच्छी तरीके से, ताकि इसमें कहीं भी मॉइस्चर या पानी ना बचे, उसके बाद ही हमें इस फिल्टर को एसी में फिट करना। ध्यान से देखिएगा ये मेरे एसी के यहाँ पे तीन पॉइंट बने हुए, तीन ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, और यहाँ पे एक लिखा हुआ टेम्प्रेरी स्विच। ये टेम्प्रेरी स्विच ये इसलिए है कि जब आपके पास रिमोट नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी पेंसिल या पेन डाल के इसको ऑन कर सकते हैं एसी को एक बार, लेकिन ये एसी जैसा आपका रिमोट में सेट होगा वैसा ही ऑन चलेगा, उसी समय से ही चलेगा। दूसरा ये फिल्टर क्लीनिंग का है, ये यहाँ पे आपको ऑन हो जाएगा वाइट कलर का, ये चालू हो जाएगी, इसकी एलईडी चालू हो जाएगी पीछे से, जब ये चालू हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका फिल्टर जो है क्लीन करने के लिए हो गया है, आपका एसी उतना चल गया कि आपको फिल्टर क्लीन करना है। दोस्तों ये ऑप्शन तब आता है जब आपका एसी जो है 200 घंटे पूरा चल जाता है, उसके बाद ये ऑप्शन आपका यहाँ पे एलईडी फ्लैश होने लगता है। ये लास्ट वाला आप देख रहे हैं एसी का है, ये टाइमर का है, जब आपका सेल्फ टाइमर ऑन होगा इसका तब आपका ये ऑप्शन दिखाई देगा, और ये इसका एसी ऑन और ऑफ का एलईडी है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको एसी का फिल्टर फिट करके इसमें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये जो पोजीशन में है ये येलो बटन वाला जो है इसका मार्क, ये भी अनलॉक की पोजीशन में, हमको इसको इस साइड में स्लाइड कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, और इस साइड में कर दें तो अनलॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे अनलॉक की पोजीशन में रखूँगा, फिट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा कि फिल्टर निकलेगा नहीं ऑटोमेटिकली। इसको मैं यहाँ पर अनलॉक करता हूँ, अभी मैं इसको फिल्टर को यहाँ पे इस चीज़ में आपको फिट करके दिखाऊंगा। दोस्तों फिल्टर को इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ पे इसके लिए एक मार्क दिया हुआ है बाकायदा इसका, उसी स्लॉट में ये जाएगा। इसको यहाँ पे मैंने लगाया और इस तरीके से अंदर की तरफ पुश कर देंगे, और ये अंदर की तरफ पुश हो गया पूरा, अभी मैं इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। अब ये फिल्टर आपका निकलेगा, निकल नहीं रहा है, यहाँ पे लॉक हो गया। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा फिल्टर यहाँ पे निकाल के लगा के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों ये भी मेरा भी अनलॉक की पोजीशन में है, इसको इस साइड करूँगा तो ये लॉक होता है, और इस साइड करेंगे तो ये अनलॉक होता है। तो ये अनलॉक है, मैं आपको अभी इसको दूसरा फिल्टर भी लगा के दिखाता हूँ। ये भी दोस्तों फिल्टर फिट हो गया इस तरीके से, जस्ट आसानी से फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से खींच के यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए, ये फिल्टर आपका लॉक हो गया। ये फिल्टर भी आप आपको खींचेंगे तो बाहर नहीं आएगा, निकल के अंदर का अंदर ही रहेगा। इस तरीके से दोस्तों ये फिल्टर आपको फिट करना है, उसके बाद आपको उसको यहाँ से ये जो हमने होल्ड किए हुए था पैनल को, इसको यहाँ से नीचे करके लेवर को डाउन कर देंगे, और ये फिल्टर हमारे यहाँ से इसका पैनल को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। दोस्तों इसको मैं यहाँ से अभी इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा, और ये देखिए आवाज़ आएगा इस तरीके से, तो समझ लीजिए ये पैनल आपका लॉक हो गया है। जैसे हमने इसको खोला था, खोलते टाइम पे आवाज़ आता है, वैसे इसको लॉक करेंगे तो ठक की आवाज़ करेगा और ये फिल्टर आपका लॉक हो जाएगा।
दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया आपको फिल्टर कैसे निकालना है, कैसे क्लीन करना है और कब क्लीन करना है, इस वीडियो मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे इसी के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको हेल्प जरूर करूँगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, दोस्तों ये एसी मेरा अभी चालू हो गया, मैं इसको एसी को रिमोट से ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने एसी रिमोट से ऑन कर दिया है और फैन स्पीड मैं इसका थोड़ा सा तेज कर दे रहा हूँ और ये कोल्ड में इसको प्रेस कर दिया है और विंडो इसकी बंद कर दूँगा। इसलिए अभी स्विंग नहीं हो रहा है तो मैं इसको स्विंग का बटन ही प्रेस करूँगा रिमोट पे, तो ये स्विंग भी होना चालू हो जाएगा। अभी आप देखिए मेरे से स्विंग भी हो रहा है, हवा काफ़ी अच्छी दे रहा है पहले से, जो कि पहले नहीं दे रहा था इस टेम्परेचर पे। मैंने 26 पे अपना टेम्परेचर सेट करके रखा था एसी का, ये पहले अच्छी हवा नहीं दे रहा था, काफ़ी देर में ठंडा कर रहा था रूम, लेकिन अब जो है ये एकदम ठंडी हवा दे रहा है, कूल हवा दे रहा है और मेरा जो पसीना पहले आया था एकदम सब सूख चुका है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने घर पर फिल्टर क्लीन कर लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी।